हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो चलिए आज का ऑटो न्यूज़ शुरू करते हैं। मेगना और यूलू जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये बजाज ऑटो के साथ मिलकर अब इंडिया से बाहर कदम रखने जा रही है। सायरा इलेक्ट्रिक ने टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ्रेम एंड चेचिस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भिवाड़ी में अपना एक प्लांट को ओपन किया है। BYD ने पूरे इंडिया में 450 E6 इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिलीवरी कर दिया है। इस व्हीकल में आपको 580 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ये गाड़ी सिंगल चार्ज होने पे सिटी में 520 किलोमीटर का रेंज प्रदान करती है और सिटी एंड हाईवे में 415 किलोमीटर का सिंगल चार्ज में रेंज प्रदान करती है। स्कोडा और फॉक्सवैगन ने वर्टस को इंडिया से एक्सपोर्ट करके दूसरे देशों में बेचना चालू कर दिया है। LML जो कि कुछ साल पहले लॉसेस और पुअर सेल्स की वजह से बंद हो गया था, अब वो इंडिया के हार्ले डिविजन के प्लांट से अपने टू व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग फिर से शुरू करने जा रही है। फरारी ने अपने नई SUV प्यूरो शेंका टीजर को लॉन्च कर दिया है, जो कि पूर्ण रूप से 13 सितंबर को लॉन्च होगी। इसमें आपको V12 इंजन मिल जाता है। एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इसमें फरारी एयर सस्पेंशन दे सकती है और इस गाड़ी में फरारी ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फिग्रेशन एंड ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन दे सकती है। दोस्तों, अगर आप ऐसा ही ऑटो न्यूज डेली सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।